कॉपी नहीं लिया आपका, कुछ नहीं, आप पीछे हो जाइए प्लीज, आप पीछे हो जाइए। 7 9 हाँ, बस कॉल ही कर देता हूँ। वीडियो भेज दीजिए मुझे। अरे गुप्ता जी ये सदर बाजार ही लिखे ना इसको तो। गुप्ता जी अरे चलिए इसको जरा देखो भाई, देर मत फंस जा। पिंकी अग्रवाल, पिंकी अग्रवाल 800 शॉप नंबर आपका कितना है? 807 नंबर। इस वक्त हम सदर बाजार में मौजूद हैं और यहाँ पर एक दुकान में ब्लास्ट हुआ है। ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे पुलिस मौजूद है जो कि भीड़ को काबू में करने की कोशिश कर रही है। 6:30 बजे के आसपास फायर डिपार्टमेंट को कॉल गया कि ब्लास्ट हो गया है सदर बाजार में, कुतुब रोड में। और ये सामने जो आप कपड़े की दुकान देख पा रहे हैं जो कि अस्त व्यस्त है इस वक्त, इसी दुकान में ब्लास्ट होने की खबर है। अब ये ब्लास्ट कैसे हुआ है इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पे टीम भी पहुंची हुई है, सामने आप देखिए जो आपको यहाँ पर टीम नजर आ रही है, ये टीम जो है वो जांच कर रही है, सैंपल इकट्ठे कर रही है, रिपोर्ट तैयार कर रही है। और 7 बजे के आसपास यहाँ पर फायर ब्रिगेड पहुंची है और उन्होंने यहाँ पर जो स्थिति थी उससे निपटने की कोशिश की। बताया ये भी जा रहा है अधिकारियों द्वारा कि यहाँ पर इस दुकान में जब ये ब्लास्ट होने की खबर आई तो उसके बाद एक शख्स जो कि यहाँ पे मौजूद था वो घायल भी हुआ है। और अब यहाँ पर इलाके में जो पुलिस है वो आप देखिए स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये जो इलाका है ये उतना कंजेस्टेड नहीं है, लेकिन क्या कुछ वजह रही ब्लास्ट की, क्या हुआ यहाँ पे, इसकी जांच पुलिस द्वारा और यहाँ पर जो टीम मौजूद है उनके द्वारा की जा रही है। यहाँ पे जो मंत्री हैं इलाके की वो भी पहुंचे हुए हैं, इमरान हुसैन जो कि इस इलाके से विधायक भी हैं। क्या जानकारी मिली आपको? नहीं, यहाँ पे एक पानी की मोटर जो है, मोटर चल रही थी, उसमें ब्लास्ट हुआ, इलेक्ट्रिक ब्लास्ट था ये। और इसमें यहाँ अंडरगारमेंट्स की दुकान थी ये, और लेडी बैठी थी वो सुरक्षित है। उसके बाहर एक मजदूर था, उसके काफी चोट आई है, उसे बारा हिंदू राव हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, इलाज बेहतर इलाज कराएंगे अच्छे से अच्छा। और ये कैजुअल्टी थी, अभी इसकी जांच हो रही है, डीडीएमए की टीम यहाँ आ चुकी है, डीसीपी आ चुके हैं और मैं डीएम से बात कर रहा हूँ। और इसमें जो भी ये जिस वजह से भी हादसा हुआ इसकी पूरी जांच कराई जाएगी। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये काफी कंजेस्टेड मार्केट है, भीड़भाड़ वाला मार्केट है, तो इस तरह का ब्लास्ट क्या बाकी दुकानों में भी हो सकता है? तो ये तो चिंता की बात हो गई। नहीं, ये चिंता की बात है। और ये बता रहे हैं कि पिछले 1.5-2 साल से राकेश जी यहाँ के प्रेसिडेंट है मार्केट एसोसिएशन के, तो इनका कुछ कोर्ट केस भी चल रहा था। ये जो है बिल्डिंग काफी जो है डेंजर बताई जा रही है, और डेंजर बिल्डिंग होने के बावजूद यहाँ दुकान और कारोबार चल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं हादसा है और दुखद हादसा है। चलिए, यहाँ पे मंत्री इमरान हुसैन पहुंचे हुए हैं और मार्केट एसोसिएशन के तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद है। तस्वीर आप देख लीजिए, यहाँ पे ये जो दुकान है इसकी तस्वीर देखिए, और देखिए वो जांच यहाँ पर कर रही है। देखिए सामने जो वर्कर हैं वो यहाँ पर जगह का मुआयना कर रहे हैं। ये सामान सारा जो है इस दुकान का ही, अंडरगारमेंट्स की ये दुकान बताई जा रही है। और हम आपको लिए चलते हैं जिनकी ये दुकान है उनके पास, और पुलिस जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर भीड़ को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रही है। हम जो परिवार है जिनकी ये दुकान थी, जो उस वक्त दुकान में मौजूद थी, क्या नाम है आपका? पिंकी अग्रवाल। मैं देख रहा हूँ काफी आपके आसपास धूल सर पे, जब ये साफ कर लिया आपने, तो ये हुआ क्या, ये आप दुकान में मौजूद थी उस वक्त? हाँ जी, एकदम धमाके की आवाज आई और सारे में मिट्टी मिट्टी हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से बाहर आई, ऐसे ढूंढते ढूंढते कि मैं बाहर निकलने का रास्ता मुझे मिल जाए।
फिर बाहर आई, फिर बाहर आके देखा कैसे ऐसे हो गया। किसी को चोट भी लगी? हाँ, तीन झल्ले वाले हैं, तीन चार उनको चोट लगी। वो दूर बैठे हुए थे फिर भी उनको वहाँ तक चोट लगी। एक तो बहुत सीरियस है। वो दुकान में ही काम करते थे? नहीं, मैं अकेले दुकान में काम करती हूँ। अच्छा, तो वो लोग कौन थे, बाहर बैठे हुए? नहीं, दूर थे, वो तो मेरी दुकान से काफी दूर थे। अच्छा, दूर थे। तो ये आपकी ही दुकान है? क्या नाम बताया आपने? पिंकी अग्रवाल। आपकी ही दुकान है ये? हाँ जी। तो हुआ क्या, आपको कोई वजह समझ में आई या फिर आप भी हैरान रह गई? नहीं, हम भी हैरानी की क्या वो अचानक, समझ में नहीं आया कुछ भी। आप भी यहाँ पे मौजूद थे? आपको मैं तो बाद में आया, बट यहाँ का हाल देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि कुछ नॉर्मल है। काफी डेंजरस चीज हुई है और जो लोग घायल हुए हैं, एक तो बहुत सीरियस है, आई होप बच जाए वो, बाकी काफी नुकसान हुआ है, दीवार पूरी टूट गई है, लेट्स सी क्या होता है। क्या कोई वजह आप लोगों ने पता लगाने की कोशिश की? क्या आपको कोई अंदाजा था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड भी यहाँ मौके पर पहुंची थी? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, लाइक अभी की दुकान नहीं है, कई साल पुरानी दुकान है, बट ऐसा भी आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। हम लोग भी हैरान है कि एकदम ऐसा कैसे हो गया। देखते हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चले। बेटे हैं? जी, मैं बेटा हूँ। अब आप पुलिस यहाँ पर पहुंची, उन्होंने आपसे क्या कुछ जानकारी ली है? अभी तो यही जाना है, उन्होंने नॉर्मल बयान लिया है कि एकदम से क्या हुआ था, अभी देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि क्या हुआ है। उम्मीद है कि जो भी होगा कम नुकसान हुआ होगा हमारा। ये क्या दुकान में जो दीवार थी, वो दीवार किस तरफ है, पीछे की तरफ है या साइड की तरफ है? वहाँ पे कोई बैठा हुआ था या सामान रखा हुआ था? भैया वो मेरी दुकान से दिखाई नहीं देते ना, साइड में जीना है, पता नहीं चलता। सीढ़ी है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। दो बिल्डिंग का जीना है ना, कॉमन जीना है वो, इसलिए सब लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो कुछ अंदाजा है आपको कि क्या आशंका है कि क्या हो सकता है? आपको शुरुआत नहीं बता सकते? नहीं, अभी तो कुछ पुलिस वाले कह रहे हैं कि शायद मोटर ब्लास्ट हुई होगी, बट पता नहीं क्या हुआ होगा। आप वहीं मौजूद थी, आप ठीक हैं? आपको छोटी छोटी? नहीं नहीं, ठीक हूँ। आपने फिर किसको खबर किया, आपने ही फोन किया क्या पुलिस को? भाई साहब ने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरजीत सिंह छाबड़ा है, मैं सदर निष्काम वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। जी बताइए, ये बाजार में किस तरह की ये स्थिति उत्पन्न हुई और आप लोगों ने क्या देख पाया? मैं, मेरी शॉप ये 851 है, इनकी 870 नंबर है। तो यहाँ पर जब मैं आया हूँ तो एकदम से काला धुआं हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने जब आगे आके देखा तो यहाँ एक जल्ली वाला ठेले वाला जो था उल्टा पड़ा हुआ था, बेचारा बहुत ज्यादा जख्मी हुआ हुआ था। उसको मनीष भाई और हमने सबने मिलके जो एम्बुलेंस करके उसको भेजा, और जब थोड़ी देर बाद हमने देखा तो दो जल्ली वाले और बेचारे जिनके सिर पे चोटें लगी हुई थी उनको भी भेजा। तो टोटल जो है तीन आदमी इंजर्ड हुए हैं इसके अंदर जो है, बाकी जानी माल का नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात हो गई है। बाकी बिल्डिंग जो है डैमेज हो गई है और बाकी कोई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। ये सदर बाजार बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है और यहाँ भीड़भाड़ वाला इलाका भी है, क्या ऐसा कुछ भी है कि यहाँ पे जो दुकानें हैं वो खतरनाक स्थिति में हैं, या उनका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज है, या उनमें और सुधार की जरूरत है? ऐसा कुछ है? नहीं, सुधार की जरूरत है, लेकिन इतनी भी खस्ता नहीं है कि हम कहें जी बिल्कुल वो ब्लास्ट की वजह से थोड़ा नीचे आ गई बिल्डिंग, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी है बाकी अंदर का हम कुछ नहीं कह सकते, बाहर ऐसी कोई चीज नहीं है, मेन रोड पे जो है सारी बिल्डिंगें बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे ये जो महिला है और उनके बेटे यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी ये दुकान है और अंडरगारमेंट की ये जो दुकान बताई जा रही है, यहाँ पे इनका कहना है कि दीवार में ये ब्लास्ट हुआ है। कैसे ये ब्लास्ट हुआ, किस वजह से ये ब्लास्ट हुआ और क्या यहाँ पे वजह रहे, इनकी पड़ताल की जा रही है, जो कि सबसे बड़ी गुत्थी अभी बनी हुई है। लेकिन फिलहाल तस्वीर आप देख रहे हैं इस दुकान की, और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि तीन यहाँ पे जो मजदूर थे वो दुकान के बाहर और आसपास जो बैठे हुए थे वो घायल हुए हैं, उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और फिलहाल जो जिला अधिकारियों की टीम है यहाँ पर, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो टीम है, वो इलाके की पड़ताल करके, दुकान की पड़ताल करके मामले की जांच कर रही है। सदर बाजार से कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।